Happy Friday. So office start हो गया and घर से काम करना है आज. आपको पता ही होगा अभी तक तो कि Friday को मेरा work from home है. Friday और Monday को जो work from home होता है ना, ये दो दिन I feel so good because मैं बहुत ज्यादा minimal makeup करती हूँ and my skin can breathe and everything. Mandatory नहीं होता कभी भी makeup करना office में obviously, but मुझे पर्सनली अच्छा लगता है. आई लाइक टू डू इट एंड देन यू नो, एंड मैं इतना भी नहीं करती हूँ. मेरे जितने भी एक्ने वगैरह है उसको बस कवर करती होती हूँ. एंड बट स्टिल लाइक यू पुटिंग समथिंग ऑन योर फेस राइट. एंड ये दो दिन होते हैं जब वर्क फ्रॉम होम होता है एंड यू जस्ट हैव टू पुट मॉइस्चराइजर, दैट्स इट, इट वर्क्स. तो फियांशु ने मेरे फोन पे रिमाइंडर लगाया हुआ है टू टेक आयरन मेडिसिन एवरी मॉर्निंग. जूस के साथ लूंगी मैं, दिस इज ऑरेंज जूस. आयरन मेडिसिन इज ऑलवेज गुड टू हैव विद ऑरेंज जूस. And this is my favorite banana. So haircut ho gaya and it's looking quite nice. तो गाइस फियांशु कटिंग के लिए गया हुआ है एंड मैंने अभी व्लॉग देखा है जो फियांशु ने कल डाला है एंड मुझे इतना अच्छा लगा वो. बड़े मेरे को ना लाइक बिकॉज आपको पता ही है मैं भी आपके साथ देखती हूँ, लाइक आई हैव नो आइडिया, लाइक जो तुम शूट कर रहे होते हो लेकिन जो वीडियो बनकर आती है दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट राइट. मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ हर बार वो जब व्लॉग डालता है, तो आप लोगों के साथ मैं भी इतना एंजॉय करती हूँ व्लॉग को. एंड कई कई बार तो मैं खुद दिहाड़े मार मार के हंस रही होती हूँ अपने व्लॉग्स को. मैं दो दो तीन तीन बार देख रही होती हूँ, मेरे को यार ये बड़ा फनी था. और कई कई बार ऐसा हो जाता है कि ओ माय गॉड कुकू तू ऐसी दिखती है, तो कई बार मुझे भी नहीं रियलाइज होता शिट यार मैं ऐसी दिखती हूँ, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन बनाती हूँ तू कई बार तो मैं. एंड व्लॉगिंग इज समथिंग दैट आई नेवर थॉट दैट आई वुड एंजॉय, बट I just love it and I can't be more thankful के मेरे और फियांशु की ये जर्नी पूरी वी आर जस्ट यू नो शेयरिंग विद यू ऑल. एंड वो हमारे लिए भी डाउन द रोड वी गोना सी के यार क्या क्या हरकतें करते थे, कैसे कैसे है ना हमने स्टार्ट किया. Still I feel like oh my god I should have started before like there was so much to share. And but on the same note, there aaye durust hai, it's okay, it's never too late to begin something new. And I want to encourage you all as well ki koi bhi kuch bhi karna ho ye mat socho ki yaar ab to bahut late ho gaya. Believe me guys, it's never too late. Chahe wo padhai ho, chahe wo YouTube ho, chahe wo kuch passionate aapne kuch seekhna ho, it's never too late. Ab main ja raha hu, maine socha apne aap ko aaj pamper kiya jaye, to main ja raha hu aaj massage ke liye kyunki चंडीगढ़ में तो मैं बहुत ज्यादा मसाज लेता था, जिम की वजह से बॉडी सोर हो जाती थी. बट कनाडा में जब से आया हूँ रुक रहा नहीं है, तो नो मसाज. बट देन आई डिसाइडेड मैं बाढ़ में जाया पैम्पर माई सेल्फ, बिकॉज मैंने ये सोचा हुआ था कि कनाडा का जो भी खर्चा होगा दैट आई विल डू इट फ्रॉम द मनी दैट आई अर्न फ्रॉम कनाडा. बट देन आई थॉट कि जो इंडिया में मेरे पास अभी भी पैसे आ रहे हैं, क्लाइंट्स दे रहे हैं, वो भी तो मेरी ही है. I should pamper myself. ये shoulder traps बहुत ज़्यादा sore हुए हैं और उस वजह से मेरा ना cervical और migraine की pain शुरू हो जाती है मेरी. So I'm hoping that I'll get relaxed. So it's lunch time. आज है हमारे पास सांबर and I'm just gonna watch something on YouTube. I hope ये massage वाली place बहुत अच्छी हो, और क्योंकि अगर आपकी massage अच्छी हो जाए ना, मेरे को लगता है यार ज़िंदगी में सारे सुख मिल जाते हैं आपको, सारे दुख दूर हो जाते हैं. So मैं आया हूँ आज Iris जन्नत जैसी फीलिंग भी है. पूरा नींद भी हूँ मैं, मतलब आई थिंक आई स्लेप्ट फॉर लाइक वन एंड हाफ आवर फॉर श्योर. व्हेन आई वाज बैक इन चंडीगढ़ आई यूज्ड टू गेट अ मसाज डन लाइक वंस एवरी टू वीक्स, और अब मैंने 6 months के बाद आके मसाज लिया है. आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड काफी अच्छा लग रहा है मेरे को. मुंह पे स्माइल देख रहे हो लड़के की, समझ रहे हो ना. अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, 4 दिन हो गए, पूरे मंडे टू फ्राइडे आ गया है, मैंने चाय नहीं पी और मैं सोच रहा हूँ कि आज एक दिन से कुछ नहीं होता, चाय पी लेनी चाहिए विद मीठा.
बहुत हो गई ग्रेटी, मुझसे ना हो पाएगा। मैं सोचा आज वैसे भी फ्राइडे है तो इट्स ओके अगर मैं एक दिन चाय पी लेता हूँ शुगर वाली। सो नाउ आई हैव टू गो टू एन एटीएम। पहली तारीख आ गई है, रेंट निकलवाना है, वहां चलते हैं। आई बहुत नींद आ रही है दोस्तों, भूख भी लगी हुई है, मजा आ गया यार। आई एम वेरी श्योर मेरी मॉम बहुत ज्यादा खुश होंगे कि उनको पता लगा कि मैंने मसाज करी, बिकॉज शी नोज दैट आई वाज एक्सट्रीमली पैम्पर्ड इन चंडीगढ़। वही होता है व्हेन यू आर अर्निंग, तो तुम उस हिसाब से अपनी लग्जरी या जो भी तुम्हारी नीड्स होती है, रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तुम उनको फुलफिल कर सकते हो। एंड व्हेन यू आर नॉट अर्निंग तो उस हिसाब से कंट्रोल करना पड़ता है। जब मैं कनाडा मूव हुआ तो मुझे पता था कि स्टार्टिंग में ये सब चीजें होंगी। रीजन मैं बताता हूँ, उसका रीजन इतना सा है कि मुझे पता था मैंने यहाँ पे आके ना जॉब नहीं करनी। मुझे अगर मैं जॉब करता तो मेरे को ये सारी चीजें फिर इतनी बड़ी नहीं लगती। मेरे को बिजनेस सारा सेटल करना था तो उसमें टाइम लगता है, बिकॉज नेटवर्क नहीं होता, आपको नेटवर्क बनाना पड़ता है, तो वो सारी चीजें। बट अब आई फील लाइक कि अब थोड़ा बहुत चीजें स्ट्रीमलाइन होने लग गई हैं, सो कमिंग बैक टू माय रेगुलर थिंग धीरे 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 धीरे। अभी भी बहुत कुछ पड़ा है चंडीगढ़ वाले लेवल तक जाने के लिए, बट धीरे धीरे चौके। बाकी मेरा हेडेक जो हो रहा था वो काफी बेटर हुआ है, खत्म नहीं हुआ बट बेटर हुआ है फॉर श्योर। बट आज मुझे लग रहा है फूफू का प्रिपरेशन डे है, बर्थडे मंथ स्टार्ट हुआ है ना मेरा। मैं बनाने जा रही हूँ ब्रसल्स स्प्राउट्स रोस्टेड इन द अवन। मैंने इसको वॉश कर लिया है एंड कहते हैं कि पूरा ड्राई कर लो इसको, फिर ही अच्छे से बनते हैं ये। तो मेरा अकाउंट है CIBC में, तो रेंट निकाल ली है। बट एक गुड न्यूज है, आई एम वेरी हैप्पी, कीरत का जो iPhone 13 Pro Max Gold 256GB जो मैंने ऑर्डर किया हुआ था वो आ गया है। वो एक्चुअल में एप्पल की वेबसाइट से जब हम ऑर्डर कर रहे थे तो उसकी जो डेट थी दैट वाज समवेयर अराउंड 25th अक्टूबर टू 1st नवंबर। एंड देन आई प्रॉमिस कीरत की तू टेंशन ना ले, मैं अरेंज कराऊंगा। फिर मैंने कीरत को सरप्राइज देने के लिए कहीं से जुगाड़ किया, वो आ गया। आई एम वेरी हैप्पी, मैं जा रहा हूँ चुपचाप लेने, कीरत को कोई आइडिया नहीं है। आई होप शी गेट्स वेरी एक्साइटेड। बस एक डाउनफॉल मुझे ये लग रहा है, मुझे लग रही है बहुत ज्यादा भूख और मैंने लिटरली सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। मैं सुबह चला गया पहले कटिंग करवाने, फिर मैं गया हूँ मसाज करवाने और फिर अब यहाँ आना पड़ गया। एक सच में कुछ नहीं खाया, नॉट इवन अ सिंगल थिंग। मेरा मन है कि एक बाइट लेने के लिए घर चला जाऊँ, उसके बाद जाऊँ फोन लेने ताकि हेड एक ना हो। बट आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कीरत जाने नहीं देगी, कीरत मुझे पूछे कहाँ जा रहे सुबह से गायब है एंड थिंग्स लाइक दैट। मैंने तो 90% भी ऐसे कहेगी, ओह आ गया वाओ वेरी नाइस। गाइस कॉस्को पहुंच गया हूँ, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बहुत ज्यादा। कभी भी चक्कर खा के गिर सकता हूँ मैं लिटरली, बट कीरत के लिए कुछ भी। अभी ये चेक कर रहे हैं कि आईफोन मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि कीरत ने अभी होम लोन के लिए अप्लाई करना है तो वो एक और क्रेडिट नहीं उठा सकती। अदरवाइज जो दूसरा प्लान होता है उसमें $900 की डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, विच वी कैन नॉट डू इट राइट नाउ। अभी भी दमन ट्राई कर रहा है। एंड थैंक्स टू बिग शाउट आउट टू दिस गाय, इफ ही वॉज नॉट देयर आई डोंट थिंक कि कोई और फाइडो कस्टमर या फिर कोई और भी इंसान हमारी इतनी हेल्प करता। नाउ वी हैव चेंज द इंटायर प्लान अंडर माई नेम विद जीरो डाउन, जो नए सब्सक्राइबर्स को जितने भी नए लोग ज्वाइन करते हैं फाइडो उनको नहीं मिलता, पुराने लोगों को जीरो डाउन मिलता है। अदरवाइज यू हैव टू पे $900 जैसे मैंने बताया था। फ्यू मोमेंट्स लेटर कीरत आई स्वेयर तुझे घर आके मुझे हेड मसाज देनी है फिर से, मेरा जितना भी मसाज का ऑरा था ना वो सब खत्म हो गया। 1 hour later 6:15 हो गए हैं, आंखें खुल नहीं रही, मुझे लग रहा है पता नहीं कौन सा पंगा ले लिया मैंने आज, बट ट्रस्ट मी मेरी जान निकल रही है अब। और अच्छी बात ये लगी कि दमन जस्ट टोल्ड मी कि ही ऑलरेडी सॉ अस ऑन इंस्टाग्राम सम ऑफ वन ऑफ आर वीडियो, तो वो अच्छी बात है। गाइस सो आई हैव गॉट माय आईफोन एंड कॉन्टैक्ट दमन इफ यू फ्रॉम कॉस्को, ही इज गोना हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। लोगों की सटक गई है कि आईफोन 13 प्रो मैक्स इस बंदे को जीरो डाउन पे कैसे मिला है। मतलब आई स्वेयर कॉस्को पे तीन जगह पे मुझे बिलिंग पे रोका गया, एक बिलिंग पे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि हाउ कम यू गॉट दिस फोन एट जीरो डाउन। फिर मेरे को एग्जिट के वक्त आपका बिल चेक करते हैं, उन्होंने फिर से बोला है और मैं बताता जा रहा हूँ लोगों को
मेरा नहीं है, मेरी बीवी का है, उसको सरप्राइज देना है. एंड देन एवरीबॉडी वाज लाइक ओ शी इज लकी, शी इज लकी. बट आई होपफुली आई रीच होम सून. आई एम सुपर 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 हंग्री. एंड गाड़ी कहाँ है मेरी? कहाँ पे है गाड़ी भाई? पीछे तो नहीं छोड़ दी मैंने? व्लॉगिंग के चक्कर में गाड़ी मैंने पीछे छोड़ दी. आज ये ना कुछ ज्यादा मस्ती मार रहा है. Hey, I can't come to the phone right now, but you can leave your name, number, and a brief message, and I'm gonna give you a call back as soon as possible. घर जल्दी आ जाएं प्लीज. यही है आपके लिए मैसेज. Bye. If you're satisfied with the recording of your message, press 1. If you want to hear it again, press 2. देखिए कैसा रिकॉर्ड है. जल्दी घर जल्दी आ जाएं प्लीज. दोबारा कॉल करते हैं. ये लड़का घर पता नहीं कब आएगा. सो गाइस अभी कीरत का फोन आया. कहती कहाँ पे है, सुबह से कहाँ रह गया है? आ तो घर तेको बताती हूँ. तो उसको लग रहा है कि मैं आवारागर्दी कर रहा हूँ कहीं पे. क्या पता बीवियों को कि पति तुम्हारे लिए धक्के खा रहे होते हैं और तुम्हें लगता है मैं आवारागर्दी कर रहे हैं. कुकु क्या कर रही थी तू? मम्मी से बात कर रही थी अपनी. क्या अपनी मम्मी से बात कर रही थी? बड़ा क्यूट लग रहा है. आई नो, अच्छा लग रहा है ना? बहुत क्यूट लग रहा है. परफेक्ट, लाइक इट. परफेक्ट हुआ. हां, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ऊपर से लेंथ भी बड़ी अच्छी है. हां, क्यूट है. पार्टिकुलर रेडी हूं. पूरा पूरा रेडी है. क्यूटी पाई. बड़ा चंदा जैसा मुखड़ा है. मुझे कम खुश हो ये देख के. तू नहीं, किसने कहा तुझे? हां, किसने कहा? अपने दामाद को प्यार करते हो, वरना मेरी मार्केट प्राइस काफी हाई चल रही है आजकल. अब क्या करूं, 16,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. इतना एटीट्यूड तो बनता है. आए हाय, आए हाय, आए हाय, क्या बात है. तो मैं तो वही है ना, मैं तो तीनों कुछ कहना चाहता है. की कहा था तेरे पति ने? की कहा था? की कहा था? मिसेस जी, मैं तो तीनों ब्याह कराना चाहता. वो तो करना चाहता है. हाँ, बट और की कहा सी तेरे पति ने? हाँ जी, प्याशु एक कुछ कुछ ऐसा नहीं वीडियो बना दो ना, जितना कहीं ने डिमांड की थी भी तो सारा दिन पंजाबी जी गल करें, कुछ ऐसा नहीं फनी जी बना दो. तो हुणे तुसी होल्ड करो, कर रहे ऐसी पंजाबी जी गल. तो की कहा से तेरे खसम ने? दस मेनू तेरे खसम ने की कहा सी गा? ओ, डिड यू गेट अ स्पॉन्सरशिप? वो छोड़, और की कहा सी गा तेरे खसम ने? अच्छा, और के 16,000 हो जाएंगे. तेरे खसम ने कहा सी गा? हाँ. कि एप्पल की प्रोडक्शन के हिसाब से 27 अक्टूबर से पहले पहले तुझे आईफोन दिला दूंगा. हाँ, कॉस्को पे आईफोन आ गया, चल लेने चले. आर यू सीरियस? यस. चले चल, जा जैकेट लेके, जैकेट लेके. अभी नहीं, मैं रेडी होऊंगा. किसको आईफोन लेने के लिए रेडी क्या होने की जरूरत? उफे आंसर कौनसा? जैकेट पहन जल्दी से. मम्मा चलो मैं बाद में बात करता हूँ, मेरा आईफोन आ गया है. गोल्डन गोल्डन वाला आ गया. मिल नहीं रहा, एक ही पीस पड़ा, जल्दी जाके लेके आना. चल मम्मा, बाय बाय. बाबू बाबू गुड, बाय, लव यू. बाय, लव यू. अच्छा सुन, ना तुझे कलर में सैक्रिफाइस करना पड़ा, ना तुझे स्पेस में, ना स्पेस, ना कलर,
को बस इतनी आज मैंने वीडियो बनानी थी, मैंने कहा अभी तेरी वेट करूंगी तभी बना पाऊंगी बिकॉज वो अपने फोन पे तो मेरी जीबी नहीं है, तो जीबी नहीं है हाँ मेरे फोन में तो जीबी बिल्कुल भी नहीं है ना, तो फिर बस फिर कुकू वेट कर रहे थे, तू आया मैंने सारी किचन साफ करी, यहाँ पे साफ करा, और फिर मैं वेट कर रहा सीगा कि फुफू कब आएगा, लेकिन क्या पता था कुकू का फोन लेने गया है फुफू। हैप्पी थैंक यू। ये तेरे नाम पे मेरे नाम पे? तेरे नाम पे केडे, मेरे नाम पे डोंट, मुझे पता है हमने लोन लेना है, करें अनबॉक्स, चलो करें। अरे तू जमे क्यूट है, चल चल ना, सीरियस मोड बता। ओके खोले। अच्छा जी, सो एप्पल ने, आपको सबको पता ही होगा, प्लास्टिक व्लास्टिक खत्म कर रहे हैं वो, मुझे लगता है लकड़ का फोन आने वाला है जल्दी। पहले मैं कवर और लैमिनेट स्क्रीन गार्ड लगवाने वाला था, बट देन आई थॉट दैट फिर तू खुद ही खोलना चाहेगी। बाबू सूंघ ना, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर सूंघते हैं कि डब्बों में से खुशबू आ रही है, सूंघ। Oh, it smells good. Take a smell of that, guys. You know you're smelling your screens right now. कट ड्रामे। हाँ? कुछ नहीं बाबू, गत्ता ही है, छोड़ दे। कोई खास नहीं है। My phone. गाबा दे। Shram. Are you happy? I'm so happy. I got a new phone. अब कुकू इसको 2 साल रखेगा। बड़े बड़े, एक तो पहली फोन आते ही बोलते थे कितनी देर रखूंगी। अंदर है इसके ये लाइटनिंग केबल, लाइटनिंग केबल है ना? हाँ, USB C to lightning cable. USB C to lightning cable है अंदर। और मुझे पता नहीं है इसके अंदर क्या है। अच्छा, Apple ने अपने स्टिकर दे दिए हैं। Apple, प्लास्टिक का ये भी ध्यान रखना, अगली बार होना नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये। अगर इतना ही आप टेक केयर कर रहे हो एनवायरनमेंट की, सो एप्पल ये डब्बे में ही पड़ा रहता है, कोई नहीं लगाता इसको। हेडफोन्स भी नहीं दिए, हेडफोन्स भी नहीं दिए, कोई बात नहीं, एयरपोर्ट से चार्जर है, सिम डालने के लिए ये दे दिया इन्होंने, बस गाइस यही आया है इसमें। लेकिन एप्पल धीरे धीरे खत्म कर रहा है, पहले दो होते थे ना, एक ही आया। ऐसे क्यों लग रहा है कि ये थोड़ा सा रिसाइक्लेबल नहीं, प्लास्टिक ही है गाइस, प्लास्टिक ही है। तो एक कर दिया, धीरे धीरे मुझे लगता है एप्पल इसको भी खत्म कर देगा, तो इसको सोवेनियर समझ के रख लेंगे बस, सेव कर लेंगे। बच्चों को आगे देंगे, ये देखो मेरा तो फ्राइडे बन गया, हेडेक हो रहा है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं पता तेरी कसम सोच रही थी कि तूने कुछ भी नहीं खा रखा, तेरे को बोल दूं कि भाई बर्गर ही खा ले, इतनी डाइट का प्लीज, वो अपना ध्यान। नहीं नहीं, मैंने फिर हॉटडॉग खाया कॉस्को से, बट वो तब तक हेडेक शुरू हो चुका है मेरा, मेरे को दवाई लेनी पड़ेगी। पुराने फोन से जिसकी हालत कीरत ने तोते उड़ा दिए हैं, उससे ट्रांसफर हो रहा है डेटा। हेलो, अब कुकू का नया फोन आ गया, अब ये वाला फोन मैं अपना मम्मी को दूंगा। सो गाइस, मैं अपना आईफोन एंजॉय कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड डू कमेंट डाउन बिलो और सब्सक्राइब टू आवर चैनल।